सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो फ्रिक्स चैनल को और बाद में जो घंटे का आइकन है उसे भी इनेबल कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्या आप भी अपने रिस्ट वॉच को एक डिजिटल लुक देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इग्निशियस और आप देख रहे हैं टेक्नो फ्रिक्स। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से एक इस तरह से एक फ़ोटो क्लिक करना होगा अपने वॉच के साथ। तो उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाके आपको एक एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट। सो मैंने इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड करने के बाद इसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोड एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट लेना होगा ऐप्स का। तो उसके लिए आप कोई भी जो ऐप्स यहाँ पर शो कर रहा है ऐप ड्रॉअर से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ओके, देन स्क्रीनशॉट सब लेके होने के बाद आपको पिक्सआर्ट ओपन करना होगा। तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ पिक्सआर्ट। ओके, पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपको ये प्लस कलर, प्लस जो शो कर रहा है नीचे पिंक कलर, उसमें क्लिक करना होगा एंड क्लिक ऑन एडिट। ओके, एडिट क्लिक में क्लिक करने के बाद आपको जो फ़ोटो आपने ली थी वॉच का, वो फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है वॉच का फ़ोटो। तो ये देखिए, अभी मेरा मोबाइल पे शो कर रहा है वॉच का फ़ोटो। ओके, तो अभी मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के लिए आपको ये जो सेकेंड ऑप्शन शो कर रहा है टूल्स, उसमें क्लिक करना होगा एंड क्लिक ऑन रोटेट, सबसे लास्ट ऑप्शन फ्लिप एंड रोटेट। तो इसे मैं राइट कर लेता हूँ। ओके, एंड आपको यहाँ पर टिक मार्क पे क्लिक करना होगा। ओके, तो अभी हमारा इमेज रोटेट हो चुका है। एंड अभी आपको इसमें जो स्क्रीनशॉट आपने लिए थे ऐप्स का, वो आपको इसमें इनपुट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करके ऐड फोटो का एक ऑप्शन शो कर रहा है, ऐड फोटो पे आपको क्लिक करना होगा। एंड आपको वो जो स्क्रीनशॉट लिए थे आपने, उसको आपको इसमें इनपुट करना होगा। तो ये रहा वो स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। ओके, ऐड करने के बाद आप इसका जो ओपेसिटी है, इसको मिनिमम 50-60 तक उस रेंज पर रखिए। ओके, एंड अभी हम इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। आपको ये जो फोटो है उसको आपको वॉच पे एडजस्ट करना होगा। सर, जो देखिए मेरा भी जो वॉच है राउंड में, तो आपको इसमें ऐप्स को एडजस्ट करना होगा। तो अभी मैं इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ज़ूम कर लिया है, एंड इसे हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अभी एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद आपको टॉप में देखिए एक रबर जैसे एक आइकन शो हो रहा है, उसमें क्लिक करना होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे, आपका पूरा फोटो रेड में शो करेगा। ओके, तो इसे थोड़ा हम जूम करेंगे कि जूम करके आपको जो अनवांटेड चीज़ है आपको उसको इरेज करना होगा। तो मेरे देखिए अभी राउंड वॉच है, तो मैं यहाँ पर जो इमेज मैंने इनपुट किया है स्क्रीनशॉट का, तो वो मैं राउंड ही रखने वाला हूँ। ओके, तो इस तरह से आप उसे रब कर सकते हैं। ये देखिए मैं कैसे रब कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने पिक्स को थोड़ा बहुत रफ कर दीजिए। ओके, थोड़ा ध्यान से कीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत कॉर्नर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, ये देखिए मैंने अभी पूरा रफ कर दिया है साइड से। ओके, तो अभी हम इसे टिक मार्क कर देते हैं एंड इसका जो ओपेसिटी है उसको 100 कर लेते हैं एंड टिक मार्क पे क्लिक कर देना होगा। ये देखिए डिजिटल में शो कर रहा है। सो गाइस, आप इस तरह से एडिट करके आप अपने फ्रेंड्स को फूल कर सकते हैं।
आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई देख मेरे नया नया वॉच लिया है जो अभी तक मार्केट भी लॉन्च भी नहीं हुआ है, और आपके दोस्त यकीन भी कर लेंगे राइट। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड बाजू में जो घंटे का आइकन है उसे भी इनेबल कर लीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय।